हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ जो फ्रेम किए गए हैं 8 और 9 दिसंबर करंट अफेयर्स से। हमारे जो लेक्चर है उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस फेसबुक पेज पर और आप मुझे मिल सकते हैं मेरे इस ईमेल आईडी पर। दोस्तों, हमने एसएससी के लिए, बैंक के लिए, यूपीएससी के लिए और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए अपने हमने प्रिंटर कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के या आप इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है आरटीआई एक्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आरटीआई के अंतर्गत जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होते हैं उसके अंतर्गत नहीं आते। दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ सेट असाइड सीआईसी ऑर्डर। सीआईसी क्या होता है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑर्डर, जिन्होंने ये कहा था कि जो मिनिस्टर होते हैं वो पब्लिक अथॉरिटी होते हैं और उनके कारण वो अनसरेबल होते हैं आरटीआई लॉ के अंतर्गत। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने जो जजमेंट था सीआईसी का उसको उन्होंने साइड कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते। तो चलिए सवाल देखते हैं हम लोग आरटीआई पे और सीआईसी पे। पहला सवाल, पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि जो कौन कौन से लोग हैं जो आरटीआई के अंतर्गत आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ फॉल अंडर द प्रिव्यू ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। दोस्तों, जो सीआईसी है वो इसी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया था। वो एक वैधानिक बॉडी है, ए बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा जो भी बॉडी जो एस्टैब्लिश की गई है वो सब आरटीआई के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं यूपीएससी को, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये सब जो भी बॉडीज़ हमारे संविधान के आर्टिकल द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं वो आरटीआई के अंतर्गत आते हैं। मेरा पहला सही है। जो भी बॉडी स्टेट लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का कोई भी कानून के द्वारा बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कानून के द्वारा अगर कोई बॉडी बनाया गया है, चाहे वो कानून हमारे पार्लियामेंट का हो या वो कानून हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो बॉडी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मेरा सेकंड सही है। एनजीओ सब्सटेंशली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, हमारे जो एनजीओज हैं वो कई सारे काम करते हैं जहां पर सरकार की पहुंच नहीं होती, या वो काम जो वो सरकार से अच्छा कर पाते हैं उन्हें, जो वो काम है उन्हें एनजीओ को दिया जाता है, मगर वो काम करने के लिए एनजीओ को फंड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कोई एनजीओ भारत सरकार के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, देखिए यहाँ पर कहा गया है द एनजीओ शुड बी सबस्टेंशली फाइनेंस्ड, कंप्लीटली फाइनेंस होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरा थर्ड सही है। सेंट्रल मिनिस्टर, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि अभी जो दिल्ली हाईकोर्ट उसने कहा है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं वो नहीं आते। मेरा आंसर क्या है दोस्तों? 1, 2 and 3 यहाँ है मेरा आंसर ए, 1, 2 and 3 ओनली आर करेक्ट, क्योंकि 4 है जो गलत है। दोस्तों, यहाँ पर अगर बॉडी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन के कारण या किसी ऑर्डर के द्वारा भी बना जाती है तो वो भी आरटीआई के अंतर्गत आएगा। आपको भी ये बताना है कि नीति आयोग जो है वो किस तरह की बॉडी है। क्या वो एसेचुअरी बॉडी है, क्या वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या नन ऑफ द एबव है। अगला सवाल ये कि हमारा जो नीति आयोग है क्या ये आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा सवाल ये कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आरटीआई फाइल करते हैं तो आपका जवाब कौन देता है, या आप आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो किसे सौंपते हैं, आप किस अधिकारी के पास भेजते हैं। ये तीन सवाल हैं, जवाब दीजिए आप। अगला सवाल देखते हैं। With reference to RTI Act, consider the following statements. It can be used by non-resident Indian. दोस्तों, इंडियन जो अगर भारत में नहीं भी रह रहे फिर भी वो हमारे भारत के नागरिक तो हैं ही, है ना। तो जो भी भारत के नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं इंडिया के, वो RTI Act का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पहला सही है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द एंटायर कंट्री। पूरे भारत में क्या ये एप्लीकेबल है? आपको लगेगा कि यार ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है लॉ तो ये होगा ही होगा। नहीं जी, ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता हमारा आरटीआई एक्ट, ठीक है। तो ये सेकंड है जो गलत है। ऐसा क्यों? जम्मू कश्मीर को दिया गया है स्पेशल स्टेटस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत, बताइए?
अच्छा दोस्तों, ये जो सवाल होते हैं कि किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है, जो मैं पूछता रहता हूँ आपसे, वो सब क्या है? वो सब वेल नॉन फैक्ट है, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप पहले जानते थे, आप भूल चुके हैं, या आपको पहले से पता नहीं था। तो क्या करना है आपको? आपको सिंपल जाकर गूगल सर्च करना है स्पेशल एड्रेस ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है? आपका जो आर्टिकल है आपको सामने दिख जाएगा। मेरा सेकंड क्लास दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने बी को और डी को कर दिया एलिमिनेट। यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। अब थर्ड को देखते हैं। अंडर द एक्ट द इंफॉर्मेशन कैन बी ओबटेन्ड इन वर्नाकुरल लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आपके जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे कि तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, इसमें आप ले सकते हैं। जो भी भाषा हमारे संविधान में मेंशनड है वो आप ले सकते हैं। अंडर द एक्ट द इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय राइटिंग इन इंग्लिश, हिंदी और एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया, ठीक है? मेरा आंसर क्या दोस्तों? मेरा आंसर है 3, 1 and 3 आंसर है यहाँ पर सी। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक सवाल है, वो देखिए यहाँ पर, एडहेरेंस बाय पब्लिक अथॉरिटीज टू सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट कैन इंश्योर और लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम। अगर कोई अथॉरिटी सेक्शन 4 को फॉलो करता है आरटीआई का, तो क्या आउटकम आएगा? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन डैट इज रिगार्डेड एज सेंसिटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। दोस्तों, आरटीआई के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है, मतलब कि अगर वो इन्फॉर्मेशन को रिलीज करने से, पब्लिक को देने से, अगर हमारा जो भारतीय सॉवरेनिटी है उसको इफेक्ट पड़ता है, हमारा जो संबंध है दूसरे देशों के साथ वो प्रभावित होते हैं, तो क्या होता है, सरकार आपको वो इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर सकती है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है तो भी सरकार आपको वो इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या ये एक एब्सोल्यूट राइट है, नहीं यार, हमारा फंडामेंटल राइट तो एब्सोल्यूट है ही नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो एक एसेचुअरी राइट है, ये तो हमारा एक जो लॉ है उससे दिया गया है, समझ रहे हैं? तो ये एक एसेचुअरी राइट, जो देखिए जो आरटीआई वाला है, जो एक क्या है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सरकार आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देने से इनकार कर सकती है। तो ये मेरा है जो पहला है वो सेक्शन 4 में नहीं आता। दोस्तों, जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो इन्फॉर्मेशन को वॉलेंटरली डिस्क्लोज करेंगे। जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो उन्हें पहले से ही अपने वेबसाइट पर रखेंगे या जनता है उनके समक्ष रख देंगे, ताकि जो लोग हैं उन्हें आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जो सेक्शन 4 है, इट डील्स विथ वॉलेंटरी डिस्क्लोजर बाय पब्लिक अथॉरिटी। उम्मीद है आपको आरटीआई किस पर अप्लाई करता है, आरटीआई का सेक्शन 4 क्या है, समझ में आया होगा, है ना? तो क्या है दोस्तों, इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा कि देखिए, अगर कोई अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन को वॉलेंटरली डिस्क्लोज करता है, खुद ब खुद डिस्क्लोज कर देता है, तो क्या होगा, वहाँ पर आएगा, जो सिटीज़न है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वो है ना, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे, जो गवर्नेंस इंप्रूव होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है ना, और जो गवर्न फंक्शनिंग है उसमें जो साफ सफाई और आएगी, है ना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मेरा आंसर यहाँ पर सी, बी, ए और डी को आप इलिमिनेट कर सकते हैं। इसी सवाल को अगर आप ऐसे घुमा करके पूछते कि जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर प्रोविजन जो हैं, जो आपको आरटीआई एक्ट में मिलते हैं, वो किस सेक्शन में मिलते हैं आरटीआई के, सेक्शन 4, 8, 12, 24, दोस्तों आंसर क्या है, सेक्शन 4 ए इज द राइट आंसर। जो सेक्शन 8 है वो क्या है, ये है एक्सेप्शंस टू डिस्क्लोजर, जो मैं आपको कह रहा था कि सरकार आपको कौन कौन सा कारण होने पर इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर सकती है। जो सेक्शन 12 है ये गठित करता है सीआईसी को, सीआईसी क्या है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। और जो सेक्शन 24 है ये बताता है कि वो अथॉरिटीज़ कौन कौन से हैं जो आरटीआई एक्ट से एक्सटेम्प्टेड हैं, जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं। अथॉरिटीज़ एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट टू बी लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट, सेक्शन 24 कहता है ये। तो ये तो थी, अब देखते हैं हम लोग सीआईसी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। दोस्तों, आप पढ़ते होंगे लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, उसमें आपको पढ़ना होता होगा कंस्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जो सुप्रीम बॉडी होती है उसके बारे में। तो जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी है वो सालाना, मतलब साल में कम से कम एक बार जो रिपोर्ट है वो पेश करेगी हमारे प्रेसिडेंट को। तो इनमें से कौन सा, सीआईसी, एनएचआरसी, सीवीसी? दोस्तों, जो सीआईसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करता है रिपोर्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
है वो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करता है। जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो इस रिपोर्ट को पेश करता है हमारे केंद्र सरकार को और हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी। ध्यान दीजिए, NHRC अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को पेश करता है। अब जो केंद्र सरकार है वो इस रिपोर्ट को पेश करेगा पार्लियामेंट के सामने और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस रिपोर्ट को पेश करेगा अपनी लेजिस्लेटिव के सामने, जो विधानसभाएं होती हैं उसके सामने। ध्यान दीजिएगा, NHRC ने जो जो रिकमेंडेशन दी थी सरकार को, वो रिकमेंडेशन पे क्या एक्शन लिया गया है वो इस रिपोर्ट में मेंशन होगा। ठीक है, जो सरकार है वो इस रिपोर्ट के साथ साथ जो रिकमेंडेशन दी है उस पर कौन सा एक्शन लिया गया है ये उसमें बताएगी, सरकार बताएगी। ठीक है ना, और अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो एक्शन क्यों नहीं लिया ये भी बताएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो अकाउंटेबिलिटी है सरकार की वो बढ़ेगी। जो CVC है वो पेश करता है रिपोर्ट हमारे प्रेसिडेंट को, CIC किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, NHRC किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट को, CVC किसको, प्रेसिडेंट को। मेरा फर्स्ट सेकंड गलत है, थर्ड सही है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है A 3 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ हमने बताया आपको CIC के बारे में। दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया होगा मेरे स्लाइड्स में वो, प्लस उसके अलावे कुछ और इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो मैंने एक ब्लॉग बनाया है, उस पर मैं आपको देता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उसका जो पूरा इशू चल रहा था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, फिर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, तो उसको मैंने सब अपने जो ब्लॉग उसमें मैंने मेंशन कर दिया है। लिंक क्या है, addsumanth.blogspot.in। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया था। ये दोस्तों आपको काम देगा, जो प्रीलिम्स 2018 है और मेंस 2018 है आपको दोनों के रिलेवेंस होगा, कौन कौन से फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व्ड हैं इस पूरे इशू से वो मैंने बताया है। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये मैंने बताया है आपको, आर्टिकल 30 डिस्कस किया है, AMU के बारे में, JMI के बारे में, जो बातें हैं मैंने सब डिस्कस की हैं, आर्टिकल 15 है, देखिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसके बारे में बताया है, क्या है इसको स्टेब्लिश किया गया 2005 में। ये क्या है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसके पास सिविल कोर्ट का एक पावर है। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये सब बातें मैंने मेंशन की है यहाँ पर। क्या हमारे संविधान में हमारा जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको गठित करने का पावर दिया गया है, क्या ऐसी बातें कही गई है? जी हाँ जी, बिल्कुल कही गई है। क्यों कही गई है, सब मैंने बताया आपको, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 सब बातें यहाँ पर मेंशन है। तो आप जा सकते हैं ब्लॉग पे, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। प्लस मेरे जो वीडियोस होते हैं और मेरे जो PDF होते हैं, देखिए यहाँ पर PDF ऑफ UPSC स्पेशल MCQ दिसंबर 2017 सारे PDF आपको एक जगह मिल जाएंगे। इसे आप क्लिक करेंगे, आपको जो लिंक है वो खुल जाएगा गूगल ड्राइव का, देखिए खुल गई लिंक है ना। अब इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, इसे आप पढ़ सकते हैं यहीं पर। ठीक है, तो ये सब बातें आपको जो सुविधा है वो दी गई है, ये सब सुविधा सब आपको फ्री है। ठीक है, कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना, बस जाइए पढ़िए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। पहला, फिर दोस्तों अगला सवाल है, कैपिटल क्राइसिस, बाय रिकॉग्नाइजिंग जेरूसलम एज इजराइल्स कैपिटल US हैज इंडेंजर्ड द पीस प्रोसेस। ये दोस्तों आया था द हिंदू में। सवाल देखते हैं अब हम इसराइल पे, जो जेरूसलम है, जो वेस्ट बैंक है, इस पे सवाल हम पहले कर चुके हैं, बाद में हम उसको रिवाइज कर लेंगे, आगे ये इशू अभी न्यूज़ में रहने वाला है। ठीक है, सवाल करते हैं इसराइल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इसराइल, मोदी विल बी द फर्स्ट इंडियन PM टू विजिट इसराइल। दोस्तों जो PM थे वो इसराइल विजिट करने वाले थे, जी हाँ जी, वो पहले PM थे जो इसराइल विजिट करने वाले थे, इसके पहले कोई भी PM नहीं गए थे, मोदी जी जो थे पहले थे। मेरा पहला सही है, द स्टेट ऑफ इसराइल इज अ कंट्री इन द मिडिल ईस्ट ऑन द साउथ ईस्टर्न शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, ये है लेबनान, ये है सीरिया, ये है इसराइल, यहाँ है जॉर्डन, इजिप्ट। ध्यान दीजिएगा, इसराइल, इजिप्ट और ये जो लेबनान है क्या करता है, ये मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। ठीक है, क्या सीरिया करता है, क्या जॉर्डन करता है, आप मैप खोलिए, उसमें आप देखिए, आगे एक और मैप आएगा उसमें आप देख सकते हैं। तो मेरा सेकंड जो सही है, सेकंड सही है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, हाँ सही है जी, बिल्कुल सही है। And the northern shore of Red Sea. Israel has land border with Lebanon, Syria, Jordan, Palestinian territories,
एंड गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। जी हाँ दोस्तों, यह है इसकी बॉर्डर इजिप्ट से, यह है जॉर्डन से, यह है सीरिया से, है ना, यह है लेबनान से, है ना। तो मेरा थर्ड सही है। अगला, इजराइल्स इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इज तेल अवीव। जो तेल अवीव है दोस्तों, ये इसका इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर है, मगर दोस्तों जो सीट है गवर्नमेंट का वो है जेरूसलम में, जो कि प्रोक्लेम्ड कैपिटल है इसराइल का, जहां पर यूएस ने कहा है कि हम जो एम्बेसी है उसको शिफ्ट करेंगे। मेरा फोर सही है। मेरा आंसर क्या है? सी, 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2003 में। इसराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, इराक, यमन। आप सी को आराम से इलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? अगर आपको पता होता कि साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है तो आप सी को इलिमिनेट कर देते। भारत ने साइप्रस के साथ साइन किया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है, इसको हाल में ही अमेंड किया गया है। तो यह है बात, यहाँ देखिए, यह है तेल अवीव, यह है जेरूसलम, यह है वेस्ट बैंक, यहाँ है क्या, यह है हैफा, और यहाँ देख रहे हैं आप इजिप्ट, इजिप्ट है, जॉर्डन है, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पे देखिए, ये है लेबनान जो कि इसको टच करता है, यहाँ सीरिया। तो क्या है दोस्तों, इसे मेरा आंसर है यहाँ पर ए, लेबनान टच करता है। जो टर्की है उसको करता है क्या? नहीं, नहीं करता। टर्की यहाँ भी कट गया है ना, टर्की यहाँ भी था। मेरा बी और डी गलत है। चलिए अगला सवाल, कैपिटल क्राइसिस ऑन यूएस रिकॉग्नाइजिंग जेरूसलम एज इज़राइल कैपिटल। सवाल देखते हैं जो यूएन का जो रेजोल्यूशन था उस पर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 478, इट डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड द इज़राइली क्लेम दैट जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनाइटेड इज इट्स कैपिटल। जेरूसलम पूरा कंप्लीट यूनाइटेड इज कैपिटल है क्या? इसको उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है इस रेजोल्यूशन ने। मेरा पहला सही है। इट प्रोवाइडेड अ रोड मैप फॉर द टू स्टेट सॉल्यूशन। दोस्तों, दो स्टेट एग्जिस्ट करने चाहिए, इस पर कोई रोड मैप प्रोवाइड नहीं करता है। मेरा सेकंड गलत है। मैंने क्या किया, बी को और डी को काट दिया, दोनों में दो दो हैं। इट वॉज अडॉप्टेड एनमनसली बाय द यूएनएससी। नहीं, इसमें एक पंगा भी आया है, जो कुछ कंट्री है उन्होंने इसका विरोध किया था। मेरा थर्ड है जो गलत है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों, ए, वन ओनली इज करेक्ट। इट वॉज डिक्लेयर नल एंड वॉइड बाय द यूएनएससी, विच ऑल्सो आस्क मेंबर कंट्री टू विदड्रॉ डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम होली सिटी। दोस्तों, ये है न्यूज़, डिफेक्शन, डिसअफेक्शन, ये आया था द हिंदू में 8 दिसंबर को ही। तो सवाल देखिए, देखिए यहाँ पर बात की गई थी 10th शेड्यूल की। किसकी? 10th शेड्यूल की। यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है कि जो हमारा जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है वो भारतीय संविधान के कुछ शेड्यूल में मेंशन्ड है, उसके प्रोविजन कौन शेड्यूल है आपको ये बताना है। ये सवाल यूपीएससी का है, आपको पता होना चाहिए था पहले से, अगर आप देने वाले हैं यूपीएससी का अटेम्प्ट इस बार। तो अगर नहीं पता तो आप जो यूपीएससी का जो पेपर है पिछला वाला, सब लगा लीजिए। मैं जैसे कि हमने क्या किया है कि जो पूरा पेपर है उसको हमने पूरा कवर किया है, सबको हम डिस्कस कर दिया है, पूरा जो प्लेलिस्ट है वो आपको पढ़ा हुआ है हमारे वेबसाइट, हमारे जो चैनल है उस पर। दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर? जो दोनों सदन हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो लोकसभा है इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हमारा स्पीकर, और जो राज्यसभा है इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, वो होते हैं इसके राज्यसभा के सभापति, वो होते हैं एक्स ऑफिशियो। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वाइल डिसाइडिंग ए क्वेश्चन अंडर द 10th शेड्यूल, मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ, फंक्शन एज अ ट्रिब्यूनल। इट वॉज प्रोवाइडेड फॉर बाई, किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक ट्रिब्यूनल की तरह फंक्शन करेगा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि हितो होलान केस में, जो आया था 1993 में, जिसमें यह कहा था कि, अच्छा ध्यान दीजिएगा, कि पहले क्या था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं हमारे, जो स्पीकर हैं या फिर जो जो सभापति हैं राज्यसभा के, ये कहा गया था कि उनका जो डिसीजन होगा दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड इन एनी कोर्ट। ये जो प्रोविजन थी वो उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। अगर आप जो स्पीकर हैं उसके जजमेंट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या होता है, इससे जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो कम होता
है ना, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का उसको उठा करके क्या कर रहे हैं आप, जो स्पीकर उसको दे रहे हैं, है ना, है ना। तो ये जो बात है वो कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट सीक्स टू टेक अवे द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दैट्स वाई दे डिक्लेयर दिस प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो 10th शेड्यूल के अंतर्गत ट्रिब्यूनल की तरह फंक्शन करता है। किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तो होलान केस में। मेरा क्या आंसर है दोस्तों, मेरा आंसर है यहाँ पर बी, सुप्रीम कोर्ट इन द कि तो होलान केस, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा बातें, अगर हमारा जो स्पीकर है उन्होंने कोई जजमेंट दी है एंटी फैक्शन लॉ के अंतर्गत, तो उसका जो जजमेंट होगा वो जुडिशियल रिव्यू के लिए खुला होगा। क्या जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक फीचर है, आपको पता है क्या? अगर पता है तो बताइए, है क्या नहीं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज टू मेक रूल्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। दोस्तों हमारा प्रेसिडेंट नहीं, जो हाउस है उसका जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो ऑब्लाइज है उन रूल्स को बनाने के लिए जिससे 10th शेड्यूल है जो रन करेगा। मेरा पहला गलत हो गया। द लॉ डज नॉट मेक अ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन डिसेंट एंड डिफेक्शन। ये जो है वो क्रिटिसिज्म है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। ये कहा जाता है कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका जो राइट टू कॉन्साइंस है वो ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेजिस्लेटर ये चाहे कि जो, देखिए उसकी जो पार्टी है अगर वो उसके किसी बात से सहमत नहीं है, उसके किसी जो उसका कुछ, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पार्टी है ए, ठीक है, ये जो ए पार्टी है वो कोई रेजोल्यूशन लाना चाहता है हमारे पार्लियामेंट में, मगर इसका एक मेंबर है, इसका एक एमपी है जो उस रेजोल्यूशन के समक्ष के मतलब उसके फेवर में नहीं है, ठीक है। तो अगर इस पार्टी ए ने अगर एक विप जारी कर दिया तो इसका जो मेंबर है ना वो उसको उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट करना ही पड़ेगा। अगर विप पास करने के बाद अगर नहीं करता सपोर्ट, उसको सपोर्ट नहीं करता तो क्या होता है, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो लॉ है वो अप्लाई हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, डिसेंट और डिफेक्शन, यहाँ पर डिसेंट था, जो मेंबर है वो पार्टी के विद्रोह में नहीं था, वो इससे डिफेक्ट नहीं कर रहा था, बस वो उस रेजोल्यूशन के पक्ष में नहीं था। ये डिसेंट का केस है, ये डिफेक्शन का केस नहीं है, ठीक है ना। देखिए डिफेक्शन कब होता है, अगर बीजेपी के अगेंस्ट कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आए और बीजेपी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट वोट कर दे, मतलब देखिए अगर वो ये कह दे कि हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो लोकसभा है वो जैसे कि सरकार है वो हमारा लोकसभा का जो कॉन्फिडेंस है वो खो चुका है, तो क्या होगा, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। ये डिफेक्शन का केस बनेगा, यहाँ पर डिसेंट नहीं है, यहाँ पर सीधे डिफेक्शन है। डिसेंट हो सकता था पहले, जो अब डिफेक्शन में बदल गया है, ठीक है। यहाँ पर केवल डिसेंट है, ये जो आदमी है, ये जो मेंबर है, वो अभी तक किसी और पार्टी के पास नहीं गया है। तो मेरा सेकंड सही है दोस्तों, मेरा आंसर क्या है, टू, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज फेमस जजमेंट इन द केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार केस रिलेटेड टू व्हाट। आपको लगेगा कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट, तो आंसर होगा बी, नहीं जी बिल्कुल नहीं, आंसर है सेडिशन लॉ। इस समय तो आया भी नहीं था, ये तो 1962 की बात है, समझ रहे हैं, केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1962 की बात है, ये सेडिशन लॉ से संबंधित केस था। मेरा सी आंसर है, commonly referred to as anti-defection law, which of the following amendments to the constitution provide for the disqualification of the member of parliament and Vidhan Sabha on the ground of defection from one political party to another। ये है हमारा 52वां amendment। मेरा आंसर क्या है, B is the right answer। जो 91st amendment था उन्होंने modify किया था 10th schedule को and made certain other amendment did strengthen the anti-defection law, ठीक है। मेरा आंसर क्या है, बी। अगला सवाल, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन इट इज व्हाट। इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर किसी को इस सवाल को मॉडिफाई करना होता तो चुपचाप ये जो मंत्रालय है इसको चेंज कर देता, आपको कह देता कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत है। आप देखते कि कॉमर्स, यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग है, आप जो है बिल लगा करके आ जाते, आपका आंसर गलत हो जाता,
ठीक है, ध्यान से समझना है सवालों को, ये सब फैक्चुअल सवाल हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ उजाला स्कीम क्या है? उजाला स्कीम है दोस्तों हमारे जो लोग हैं उनको जो इफिशियंट लाइटिंग है उसकी सुविधा प्रोवाइड कराना। मेरा आंसर है यहाँ पर पी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एम ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन? दोस्तों इस स्किल का जो, इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जो स्किल एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे जो स्कीम है उसको रन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी। मेरा आंसर क्या है? दिस मिशन इज फॉर प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एट द सेंटर एंड द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल एक्टिविटीज इन द कंट्री। किसका? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये मिशन किसके द्वारा रन किया जाएगा आपको ये बताना है, ठीक है। आप सिंपल NSDM सर्च कीजिए, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसे कौन रन करता है, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। काफ़ी जो है ये जो मिशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है ये दोस्तों। इसे आप पा सकते हैं जो वेबसाइट है ना स्किल जो मंत्रालय है उसकी, वहाँ पर आप पा सकते हैं इसके बारे में सरकारी जानकारी। उड़ान स्कीम, इट एम्स टू प्रोवाइड फ्लाइट कनेक्टिविटी टू अ स्मॉल सिटीज़, अपग्रेड स्मॉल एयरपोर्ट्स टू इनेबल देम टू हैंडल कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस, इनकरेज मोर पीपल टू फ्लाई बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लाइट चॉइसेस, नन ऑफ द अबव। दोस्तों दो स्कीम है, एक तो है UDAN उड़ान, एक है UDAAN। सरकार हम स्टूडेंट्स के बहुत ही खिलाफ है, देखिए कितना परेशान करते हैं ए लगा करके। देखिए जो उड़ान स्कीम है दोस्तों ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। इसका मेन मकसद है जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना। मगर जो उड़ान स्कीम है डबल ए वाला, ये एक स्किल को प्रोवाइड करने का मिशन है। ये हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्या दोस्तों मेरा आंसर, मेरा आंसर यहाँ पर डी, ठीक है। ये स्किल डेवलप करने का मिशन है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में, ये है डबल ए वाला। उसके बारे में हमने जो बातें हैं पूरे मेंशन कर दी हैं यहाँ पर, उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, स्टेट ऑफ ऑफ जो हमारे जम्मू कश्मीर है उसकी सरकार, NSDC ये भी इसमें शामिल है। पूरा स्कीम क्या है मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। ये बातें प्लस इसके अलावा और जो भी बातें हैं NSDC क्या होता है वो सब बातें मैं आपको डाल दूंगा उस ब्लॉग पर, उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा उड़ान स्कीम है इसे भी आप वहाँ पर पा सकते हैं अच्छे हाईलाइटेड मेथड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आधार लिंक डेडलाइन फॉर सब्सिडीज टू बी March 31, ये कहा है सरकार ने। देखिए यहाँ पर बात आई है आधार की, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है हम डिस्कस कर लिया है। कम से कम 5 जजेस होंगे इस बेंच में। जो अटॉर्नी जनरल है वो एक संवैधानिक पोस्ट है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। CFI के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, भूल चुके हैं, तो इसे हम आपको फिर से समझा देंगे आगे आगे और सवाल आने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।